अभी ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे सिर्फ एक जगह पर ये अभी ओवरब्रिज सही से बना नहीं है, जिसकी वजह से जाम लगता है यहाँ पर। बाकी रोड एकदम देखो टनाटन, और कोहरा काफी है, ठंडक है। वाह भाई वाह, किसी मंत्री संतरी का काफिला, गाड़ियां ही गाड़ियां, बहुत बढ़िया। ये है जलवा, और ये इस तरह बसता है पूरा गाजियाबाद। और ये गाजियाबाद से बाहर बाहर हमारी सड़क जो है मेरठ की तरफ मुड़ जाएगी। अभी अभी मैंने मोदी नगर वाला कट लेके नीचे आ गया हूँ। अब यहाँ से मैं वापस की तरफ जाऊँगा, दिल्ली की तरफ, और ये यहाँ से कर लेंगे। बिल्कुल एक नंबर हाईवे है ये वाला, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। अब दिल्ली से और मेरठ तक पूरा क्लियर है, क्योंकि अब जो किसान बैठे हुए थे वो भी उठ के चले गए हैं। तो अभी पूरा एक्सप्रेसवे जो है बिल्कुल क्लियर है, एकदम फर्स्ट क्लास। गन्ने गन्ने लगा हुआ है, बहुत बढ़िया। गन्ना है, सरसों है, वेरी नाइस। और अब यहाँ से अगर हरिद्वार ऋषिकेश किसी को जाना है तो उसके लिए बहुत ही आसान है, मेरठ एक घंटे में मेरठ पहुंच जाएगा, और वहां से लगभग 2-2.5 घंटे 3 घंटे और। तो अब मतलब बहुत फिक्स हो गया रास्ता, पहले गाजियाबाद क्रॉस करना, मोदी नगर क्रॉस करना, इसमें बहुत टाइम लग जाता था, जिसके लिए ये एक्सप्रेस वे बेस्ट है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की इस हाईवे से, जो कि है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। तो जिसका जब शुरुआत हुई थी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की, तब मैंने एक वीडियो डाला था, उस वीडियो का लिंक है यहाँ पे ऊपर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख सकते हैं। मज़ा आ रहा है, चलते हैं वापस। क्रिसमस आ रहा है तो हो सकता है आप लोग के भी कुछ प्लान्स हो, हमारे भी कुछ प्लान हैं, हम लोग भी कहीं जा रहे हैं, पता चलेगा आपको कल के वीडियो में, कल का वीडियो ज़रूर देखें। तो अभी फ़िलहाल क्रिसमस केक ऑर्डर किए थे, तो वो चल के क्रिसमस केक, जो स्पेशल क्रिसमस केक होता है वो होममेड, वो लेते हैं चल के, और फिर चलते हैं वापस घर की तरफ, क्योंकि आज एक आने वाली है हमारी दोस्त, वो भी हमें ज्वाइन करेगी क्रिसमस पे और हमारे क्रिसमस ट्रिप पर। तो बने रहिए और देखते हैं कहाँ चलते हैं हम लोग क्रिसमस पे घूमने के लिए। छोड़ के और आ गए हैं ये वापस अपने घर की तरफ। ये बहुत शानदार कबूतर उड़ते हुए, चलते हैं अप्पू दादा के पास और आपको मिलाते हैं अप्पू दादा से। तो पहले यहाँ से पिक करेंगे अप्पू दादा को C12 में। दादा क्या दादा, अरे कृष्ण वासी आइए दादा, आइए, नमस्कार, बढ़िया बढ़िया। अरे हम गए हुए थे मेरठ की तरफ। तो पहुंचा है अभी हम लोग अप्पू दादा के मदर इन लॉ के घर में, और यहां से उठाएंगे केक। ये है हमारे अप्पू दादा, नमस्कार अप्पू दादा, कैसे हैं आप?
बहुत बढ़िया है यार, बता देते तो पहले भाई टिन शो कराते यार। अरे कोई बात नहीं, आप ऐसे टिन जाए। केक ले लिया गया है, अपू दादा के बैग में है केक। गए वापस घर, खड़ी कर दी है गाड़ी, चलते हैं घर वापस। तो एक बहुत ही मजेदार राइड के बाद, एक बहुत ही मजेदार दिन के बाद आ गए हैं वापस अपने घर पर और टेस्टी यमी क्रिसमस केक ले आए हैं। कल हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको पता चलेगा कल के वीडियो में। तो अगर आपने इस वीडियो को देखा है, पसंद आया है, तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ।